नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके चैनल वर्चुअल टेक में। गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला कि आप जो बजाज फिनसर्व में ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कभी कभी जो है आपको ऐसा जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो जहां पे आपका जो है ट्रांजेक्शन फेल्ड हो रहा है और कभी कभी जो है सस्पेक्टेड फ्रॉड ऐसा जो है आपको मैसेज दे रहा है, तो ये क्यों हो रहा है और इनसे कैसे आपको जो है बिना फेल्ड करके आपको ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली करना है और साथ ही साथ आपको जो है कैसे कॉइन लेना है, सारा कुछ जो है मैं आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग आज का वीडियो पूरा देखो, वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना ताकि अगला वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष शंकर, आप देख रहे हो चुलटेक। चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, अभी अगर लगातार जो है ट्रांजेक्शन कर रहा है तो आपको दो चीजों का जो है प्रॉब्लम आ सकते हैं। कभी कभी जो है आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उनके बीच में आप देख रहे हैं सस्पेक्टेड फ्रॉड लिखा हुआ है, मतलब आपका ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, आपका ट्रांजेक्शन फेल्ड हो रहा है। इनका रीजन मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे गाइस क्या चीज चल रहा है ये पहले आप समझ लो, ये क्यों आ रहा है ये पहले समझ लो, उसके बाद कैसे जो है ये प्रॉब्लम को फिक्स करना है वो मैं आपको बताते। गाइस यार, वीडियो पूरा देखते रहो क्योंकि वीडियो आज बहुत ही इंफॉर्मेशन वाला वीडियो होने वाला, तो शायद YouTube में आपको कहीं पे भी जो है ऐसा वीडियो आपको देखने को नहीं मिले जो इतना जो है आसान तरीके से मैं आपको समझाएंगे, ऐसा वीडियो पूरे YouTube में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग अगर यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं यार, पूरा वीडियो देखो, पूरा समझ में आ जाएगा आपका, जो है एक बार भी जो ट्रांजेक्शन फेल नहीं होगा, आप आराम से जो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन कर पाओगे। कॉन्सेप्ट पहले समझ लो कि आपको यहाँ पे जो सस्पेक्टेड फ्रॉड क्यों होता है। देखो, पहले हम जो ट्रांजेक्शन करते वो हम करते थे पेटीएम पेमेंट बैंक या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक, तो अब में से जो बहुत सारे लोग जो एयरटेल पेमेंट बैंक जो ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको जो ऐसा प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलता है। जिनको ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है वो लोग यूज करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट, फिजिकल बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट वो लोग यूज करते हैं, लोगों को ज्यादा जो है ऐसा दिक्कत आता है। तो इनका रीजन मैं बता दे, आप देखोगे कि यहाँ पे जो है जो सेविंग बैंक अकाउंट यूज करते हैं, फिजिकल बैंक अकाउंट यूज करते, उनका जो है एक यूजर को अगर बार बार सेंड कर रहे हैं पैसा तो आपको ऐसा दिक्कत जो है आपके सामने आता है, सस्पेक्टेड फ्रॉड लिखा आता है। तो आप मैं सॉल्यूशन बताते इनसे कैसे बचोगे, तो आपको क्या करने का, तो आप एक यूपीआई आईडी में सेंड मनी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं आप मोबाइल नंबर डाल दिया, उसके बाद जो है .bfl@abfspoi ये होता है अपना जो बजाज फिनसर्व का यूपीआई आईडी। तो ये यूपीआई आईडी में अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, यूपीआई आईडी चेंज कर दो, @ybl डाल दो, @apl डाल दो, @paytm डाल दो, कुछ भी, ठीक है, आप यूपीआई आईडी को चेंज कर दो। देखो, चुटकियों में आपका ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा, तो आपका एक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया। और कभी कभी देखो यूपीआई आईडी चेंज करने के बाद भी जो है नहीं होता है तो वो लोग क्या करना कि एक यूजर को जगह जो सेंड मनी कर रहे हो बार बार, तो अगर आपका ऐसा दिक्कत हो रहा है तो यूजर को चेंज कर लो। जैसे कि देखो, मैं अपने एक दोस्त को सेंड मनी कर रहा है तो उनमें बार बार सेंड मनी करने से मेरे को जो सस्पेक्टेड फ्रॉड बता रहा है, तो मैंने एक दोस्त से दूसरे दोस्त को जो सेंड मनी करेंगे, तो आप यहां पे किसी भी जो यूपीआई आईडी में सेंड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको जो अपना बजाज फिनसर्व का यूपीआई आईडी में सेंड करना है, आप पेटीएम यूपीआई आईडी में सेंड कर सकते हैं, वाईबीएल में सेंड कर सकते हैं, गूगल पे में सेंड कर सकते हैं, किसी का भी जो यूपीआईडी में आप सेंड करो उनके लिए आपको जो है लगातार क्वाइन मिलते जाएगा। आपका जो फर्स्ट प्रॉब्लम सस्पेक्टेड फ्रॉड ये आपका सॉल्व हो गया। अब जो सेकेंड प्रॉब्लम ट्रांजेक्शन फेल्ड, गाइस ये ट्रांजेक्शन कब होता है आप जानते हो, जब आपको 20 ट्रांजेक्शन हो जाते हैं डेली का, या फिर आप जो एक महीने में अगर 100 से भी ज्यादा ट्रांजेक्शन कर लेते हो तो आपका ऐसा दिक्कत आता है। आरबीआई की रूल्स के हिसाब से आप जो एक ही महीने में आप जो है 100 यूपीआई जो है सेंड मनी कर सकते हैं, 100 यूपीआई सेंड मनी करने के बाद आपका जो यूपीआई आईडी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप मानो तो एक तरीके से जो है ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, 15 दिन हो गया, 15 दिन में आप जो है 100 ट्रांजेक्शन पूरा कर लिए, तो आपको जो है फेल्ड होना स्टार्ट हो गया, तो आप 15 दिन के बाद फिर से एक तरीके से ट्राई करो गाइस, आप जो है गारंटेड आपका ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है। तो जिनका जो है ट्रांजेक्शन फेल्ड हो रहा है उनका जो है 100 का लिमिट पूरा हो गया, जिनकी वजह से जो है ट्रांजेक्शन फेल्ड हो रहा है, तो आप लोग बीच बीच में ट्रांजेक्शन करते रहना। हाँ, फेल्ड होगा मुझे मालूम है, लेकिन आप ट्रांजेक्शन करते रहना, ठीक है। आज कर लिया, फेल्ड हो रहा है, 2 दिन के बाद करना, उसके बाद 2 दिन के, उसका 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, ऐसे करके ट्रांजेक्शन करते जाना। गाइस, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकते कि आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका भी जो ये हर एक ट्रांजेक्शन पे कॉइन मिलते जाएगा। तो ये चीज अपना दिमाग में घुसा लो कि अगर आप डेली ट्रांजेक्शन करते हो तो बस लिटरली आपका जो ये
लिमिट ओवर हो जाएगा। देखो बस ये पूरे दुनिया में जो है सबका एक लिमिट होता है, सबका एंड ही होता है, तो यहाँ पे यूपीआई का भी जो है कुछ लिमिट है। तो अब अगर आपका लिमिट खत्म हो गया तो कुछ दिन इंतजार करो, आपका भी लिमिट दिया जाएगा और आप फिर से जो ट्रांजेक्शन करना और फिर से जो डेली बेसिक जो आप कॉइन कमाते जाना बस, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपका जो दो प्रॉब्लम चल रहा था वो सॉल्व हो गया। तो अभी आपका जितना चिंता था ये बजाज फिनसर्व को लेकर सब जो है पूरा टेंशन एकदम दूर हो गया। तो सोच क्या रहे हो, वीडियो को एक लाइक ठोक दो और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जो ये वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी जो ये प्रॉब्लम अगर हो रहा है, वो भी ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो वो भी थोड़ा रिलीफ पाएगा। ऐसा प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो ये वीडियो देखने के बाद आराम से वो सॉल्यूशन कर पाएगा। गाइस आपने तो मेरे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया था, जल्दी से मेरे इंस्टाग्राम फॉलो कर देना एंड हमारा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए, इससे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, तो जल्दी से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेना। तो गाइस कुछ भी छोटा मोटा अपडेट आता ना, कोई अदर एप्लीकेशन रिलेटेड कुछ भी, मतलब बजाज फिनसर्व का कोई भी जो अपडेट आता है, हम सबसे पहले अपना टेलीग्राम ग्रुप में डालते हैं, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप तो मस्ट बी ज्वाइन। यार मैं जानती हूँ आप सब लोग मेरे को टेलीग्राम पर जो पूछ रहे कि ऐसा क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या प्रॉब्लम चल रहा है, यार पॉसिबल नहीं होता इतना जो है आंसर देने का, इसलिए मैं सोचा कि एक वीडियो बना के आपको दे दूं, ताकि एक चांस सबका जो प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगा। तो यार वीडियो तो बना दिया, तो आपका काम है लाइक करने का, तो यार जल्दी से लाइक कर दो। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहेगा। जय हिंद, जय वंदे मातरम।